अलामा मशरकी के अफकार की रोशनी में जिंदगी गुजारी और इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर मुलाजमत की, यह बड़ा मुश्किल काम सनाउल अख्तर ने किया। हमने देखा इनको सच्चाई का साथ देते हुए भी देखा, आज किस तरह बोला जाता है, ये सारी बातें सनाउल अख्तर ने सिखाई। इस पर मैं इनको इस मौके पर खिराज पेश किए बगैर नहीं रह सकता। ये वो खानवादा है कि जिसने अलामा मशरकी का के तस्वरात और अफकार को इस तरीके से पेश किया कि हमें आज तक एक तमानियत का एहसास है। तारीख बानियान पाकिस्तान अलामा मशरकी और जितने भी साम्राज्य दुश्मन लोग थे, बड़े बड़े कदावर, उनका मुख्य नजर तो एक ही नजर आया। मैं ये देखा और महसूस किया कि एक बड़ी डिग्निटी के साथ काम करने वाले ऑफिसर हैं ये, कोई डिप्टी कमिश्नर हो चाहे कोई हो, उस तरह की अफरा तफरी नहीं पड़ती थी कि आगे पीछे भाग दौड़ रहे। मलिक साहब जानते हैं आप कि बहुत ही कंपोज्ड और बहुत ही एक इज्जत और तौकीद के साथ अहम रखने वाला साहब राय शख्स, उसका जुनून रिटायरमेंट के बाद बेकार नहीं बैठा और ये उनकी कई सालों की मेहनत और अरगरेजी आपके सामने इस किताब की सूरत में मौजूद है। यकीनन हम ये समझते हैं कि इस किताब की तसनीफ में और तालीफ में उनके वालदे माजद का इकट्ठा किया हुआ मवाद भी उनके काम आया होगा। अव्वल की जमात के रहनुमा अल्लामा मशरकी सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता हिंदुस्तान की आला तरीन जामियात के दाल है। इन तसानीफ के जरिए उन्होंने अपने नजरियात अवाम अवाम और खास तक पहुंचाने की कोशिश की।